नमस्कार दोस्तों, आवसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा बॉर्डर डिज़ाइन लाई हूँ। मेरे पास फरमाइश आई थी कि मैं दो रंग में कोई बॉर्डर बताऊं, तो मैं ये आज बॉर्डर डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहली लाइन में हम इसी तरह बुनेंगे। पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, दूसरे फंदे को हमें स्लिप करना है, इसे बुनना नहीं है, यूं ही सरका लेना है। फिर नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को हम बिना बुने सरका लेंगे। अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। तो दो ही फंदे का डिज़ाइन है, एक फंदे को सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है। सीधा बुना, नेक्स्ट फंदा स्लिप किया, सीधा बुना, फिर स्लिप किया। एक फंदे को सीधा बुनना है और अगले वाले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए हम पहली लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। तो देखिए, पहला वाला फंदा स्लिप किया है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, दूसरा वाला फंदा ये सीधा बुना गया है, उसे हम रॉन्ग साइड से भी सीधा बुन लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुना हुआ फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो दूसरे लाइन में भी, यानी रॉन्ग साइड में भी, हमें एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा स्लिप करना है। एक फंदा सीधा बुनना है, दूसरा फंदा स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ यानी रॉन्ग साइड की तरफ कर लेना है। हमने उन अपनी तरफ किया, फंदा स्लिप किया, अब उन दूसरी ओर कर लेंगे क्योंकि अगला फंदा हमें सीधा बुनना है। सीधा बुना, अब इस फंदे को हमें स्लिप करना है, इसलिए स्लिप करने से पहले उनको हम अपनी ओर कर लेंगे, फिर इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है तो इसे सीधा बुन लेंगे। एक फंदे को स्लिप करना है और एक फंदे को सीधा बुनना है। स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी ओर कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए हम दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दूसरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारा तीसरा लाइन है। तो तीसरा लाइन में भी हम इसी रंग के ऊन से, यानी जो जिस रंग के ऊन से हमने पहला लाइन बनाया था, उसी से हम तीसरा लाइन भी बुनेंगे। तो देखिए, ये फंदा हमने बुना था तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे और देखिए, ये फंदा स्लिप किया था तो अब की इसे हमें सीधा बुनना है। देखिए, ये फंदा हमने बुना था तो इसे हमें स्लिप करना है, ऊन हमारा दूसरी तरफ ही रहेगा, इसे स्लिप करना है और स्लिप किया हुआ फंदा इसे हमें बुनना है। एक फंदा हमें स्लिप करना है, एक फंदा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा बुनना है। तो पहली लाइन में जिस फंदे को हमने स्लिप किया था, तीसरी लाइन में उसे हमें सीधा बुनना है और जिस फंदे को हमने बुना था उसे हमें स्लिप करना है। दो ही फंदे को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, एक फंदे को स्लिप करना है, एक फंदे को सीधा बुनना है,
पहली लाइन में जिस फंदे को हमने स्लिप किया था तीसरी लाइन में उसे सीधा बुनना है, और जिसे हमने सीधा बुना था उसे हमें स्लिप कर लेना है। अब ये हमारा चौथा लाइन है और हम रॉन्ग साइड में हैं। तो देखिए, पहले फंदे को हमने बुना है, सीधा बुना है, तो रॉन्ग साइड से भी हम इसे सीधा ही बुन लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, देखिए ये फंदा हमें स्लिप करना है तो इसे स्लिप कर लेंगे, उनको वापस सामने की तरफ करेंगे, और ये फंदा देखिए बुना हुआ है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे वापस स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर ये फंदा हमने सीधा बुना था तो इसे हम सीधा ही बुन लेंगे। एक फंदा हमें स्लिप करना है और एक फंदे को सीधा बुनना है। जिस फंदे को हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था रॉन्ग साइड से, उसे ही हमें सीधा बुनना है, और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था तो रॉन्ग साइड में उस फंदे को वापस हमें स्लिप कर लेना है। लेकिन स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है। तो हमने फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट फंदा, इसे हमने स्लिप किया था तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो एक रंग के ऊन से हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया। चार लाइन, एक रंग के ऊन से हमने चार लाइन बुना। अब हम दूसरे कलर का ऊन लेंगे और इन्हीं चार लाइनों को हमें वापस दोहराना है। पहला फंदा हमने सीधा बुनना है, दूसरे फंदे को स्लिप करना है, तीसरे फंदे को सीधा बुनना है, चौथे फंदे को स्लिप करना है। यानी विषम संख्या वाले फंदे, ऑड लाइन वाले फंदे हमें सीधा बुनना है, और इवन नंबर वाले फंदे हमें स्लिप कर लेना है। एक तीन एक एक पहला फंदा हमने बुना, दूसरे फंदे को स्लिप किया, तीसरा फंदा बुना, चौथे फंदे को स्लिप किया, पांचवा फंदा बुना, छठे को स्लिप किया। एक फंदे को सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, आगे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो पहला फंदा स्लिप किया है तो इसे वापस स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, ये फंदा देखे सीधा बुना है तो इसे सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर ये फंदा स्लिप किया है तो इसे स्लिप कर लेंगे। तो बुने हुए फंदे को हमें वापस सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी तरफ कर लेना है। तो दूसरे कलर के ऊन से हमने दो लाइन बना लिया है, एक रंग के ऊन से हमें चार लाइन बुनना है। तो अब इसी रंग के ऊन से हम वापस बुनेंगे। तो पहला फंदा हमने सीधा बुना है, तो अब की इस फंदे को हमें स्लिप करना है, उन सिलाई को ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, ये फंदा हमने स्लिप किया था तो अब की इसे हमें सीधा बुनना है, और ऊन हमारा दूसरी तरफ ही रहेगा। ये फंदा हमने पिछली लाइन में बुना था तो इस लाइन में इसे स्लिप कर लेना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा जिग जग जैसे डिजाइन बनता चला जाएगा। डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, और देखिए कितना खूबसूरत है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और चौथी लाइन में बुने हुए फंदे, पहला फंदा देखिए सीधा बुना था तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दूसरा फंदा स्लिप किया था तो इसे वापस स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते जाना है। दो ही फंदे का ये डिजाइन है,
और चार लाइन का, एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद इन्हीं चारों लाइनों को हमें दूसरे रंग के ऊन से दोहराना है और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। डिजाइन बहुत ही आसान है और कितना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने स्वेटर में जरूर आजमाएं, ये बेहद खूबसूरत डिजाइन है। तो फ्रेंड्स, अब की आप ये बॉर्डर अपने स्वेटर में आजमाइए। यदि आपको मेरा ये बॉर्डर डिजाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।